अगला वर्ड बच्चे ऑडेसिटी है। ऑडेसिटी का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है निडर, और अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो इसका मतलब होता है फियरलेस, डॉन्टलेस, मतलब जिनको किसी तरह का कोई डर नहीं होता उनको हम बोलते हैं ऑडेसिटी। अब बच्चे इसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब हम लोगों ने वोकैबुलरी सेशन शुरू किया था और डे वन के अंदर मैंने आपसे एक बात कही थी, क्योंकि देखिए वोकैबुलरी का जो पार्ट होता है बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, और इसको लेकर के बहुत बच्चों के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। पहला कि सर इतना ज़्यादा वोकैबुलरी है, इतने ज़्यादा वर्ड्स हैं, कैसे याद करें, ठीक है, एक बड़ा क्वेश्चन ये है। दूसरी बात कि सर अगर याद कर भी लेते हैं तो भूल जाता है, इसको कैसे हम लोग सस्टेन कर पाएंगे अपने दिमाग के अंदर, राइट। बच्चे अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको एक बात कही थी, हमने कहा था कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेरे साथ 10 से 15 दिन मेहनत करने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा जी, अब आपको लगेगा कि सर जो चीज़ सालों में इंप्रूव नहीं होती है, जो चीज़ 6 महीने के अंदर इंप्रूव नहीं होती, आप उसको 10 से 15 दिन क्यों बोला था आपने, ठीक है। उस टाइम भी मैंने वो बात आपको समझाई थी, अगर आपको याद नहीं तो मैं दोबारा बताता हूँ कि 10 से 15 दिन क्यों। क्योंकि बच्चे देखो जो हमारे एग्जामिनेशन का पैटर्न है, पैटर्न बहुत ही सिंपल है। अगर 20 से 22 साल के अंदर जितने भी वोकैबुलरी पूछी गई है, जितने भी वर्ड्स पूछे गए हैं, अगर आपने एनालाइज किया है तो इट्स ओके, नहीं किया है तो मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि भाई मुझे पढ़ाते हुए 13-14 साल हो गए हैं और मैंने उसको प्रॉपर एनालाइज किया हुआ है, तो आप देखोगे बच्चे 90% से ज़्यादा जो वर्ड्स होते हैं वो रिपीटेड हैं, मतलब रिपीट किए जाते हैं बार बार। और मैंने एक बात आपसे और कही थी कि एक वर्ड के कम से कम बहुत सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं, 50 वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, और एंटोनिम भी हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने जो चीज़ें आप याद करते हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होनी चाहिए और रेलेवेंट होनी चाहिए। अब बच्चे को ये पता ही नहीं होता कि भाई अगर किसी भी वर्ड का अगर 40 सिनोनिम्स है तो 40 में से 40 आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता, कुछ 5, 7 या 10 ही होते हैं जो बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं, ठीक है। अब वही मैंने कहा था कि मैं यहाँ पर जो कुछ भी लिखूंगा वो आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा और वो रेलेवेंट होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा बेटा आपको पढ़ना नहीं है। अब मैं 10 से 15 दिन आपसे इसलिए बोला था क्योंकि मैंने वही बात आपको बताई थी कि ये रिपीटेड, ये क्या करते हैं कि इनका पैटर्न ही है, ये रिपीट करके पूछते हैं। भाई 5% केस में ऐसा भी होता है कि ये नए वर्ड्स भी देते हैं, जो नए वर्ड्स देंगे उसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन जो 95% ये जो मेजर पार्ट है उसको तो आपको पहले तैयार करना चाहिए, राइट। तो बच्चे 10 से 15 दिन मैंने इसलिए बोला था क्योंकि 10 से 15 दिन अगर आप मेरा एक सेशन गौर से आप देखो तो उस सेशन के अंदर मैं कम से कम 60-70 वर्ड्स डिस्कस करता हूँ, ठीक है, तो मैथ्स आपकी बेहतर है तो इस 60-70 वर्ड्स को आप कैलकुलेट कर लो 15 दिन का और 20 डेज का, तो बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं। अगर एक बार आप 15 से 20 दिन 10 दिन आप अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो उसके बाद देखेंगे आपको वही सारे शब्द बार बार रिपीट करके मिलेंगे। जैसे जब हमने वीडियो पहला किया था तो उसके अंदर बचे एक एंट्रेपिड करके वर्ड था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, मैंने कहा था एंट्रेपिड मतलब क्या होता है, ऑडेसस, एंट्रेपिड मतलब क्या होता है, फियरलेस यानी निडर, डिस्कस किया था अगर आपको ध्यान होगा तो। देखो वही तो वर्ड आया है यहाँ पे, ऑडेसिटी, जो हमने वहाँ पे आपके साथ सिनोनिम लिखा था। और अगर थोड़े दिन पहले आपने सेशन देखा होगा तो सुपर एनोवेटेड वर्ड भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था, जिसका मतलब होता है आउटडेटेड, जो चीज़ पुरानी हो जाती है, अपसलीट हम जिसको बोलते हैं, राइट। तो बच्चे आप पुराने सेशंस को देखते आओ, 15-20 दिन की मेहनत मेरे साथ करो, पूरी चीज़ों को आप याद कर लो, रिविजन कर लो, फिर देखो चीज़ें रिपीट होने लगेंगी और तुम्हें मजा आने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं ऑडेसिटी, ऑडेसिटी का मतलब बेटा आप हिंदी में लिख लो निडर, ठीक है, धृष्टता, अगर जिन लोगों को नहीं समझ में आ रही तो निडर लिखो, सिंपल। जैसा कि इंग्लिश में भी इसकी मीनिंग को बेटा आप लोग गौर किया करिए, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर इंग्लिश को सीखना है, इंग्लिश में अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ठीक है, तो उसके लिए इंग्लिश मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली लोग बोलते हैं हिंदी भाषी बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो उनको इस तरीके से डीमोटिवेट करके उनको हम ट्रांसलेशन सिखाते हैं कि ऑडेसिटी का मतलब निडर होता है। बेटा ट्रांसलेशन सीखने से क्या होगा, जैसे प्रॉब्लम पता कहाँ आती है, जब हम इस तरीके से चीज़ों को अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, ये मीनिंग नहीं है बेटा, निडर जो है वो मीनिंग नहीं है, इसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। अब होता क्या है बच्चे कि जैसे हम बोलते हैं ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, तो वह स्कूल जाता है ये मीनिंग नहीं है, ये ट्रांसलेशन है। तो अगर आप ट्रांसलेशन सीखोगे तो जैसे कंप्रेहेंशन वाला जो पार्ट होता है, जिसके अंदर आप क्लॉज टेस्ट करते हैं, जिसके अंदर आप पैसेज करते हैं, जिसके अंदर आप PQRS करते हैं, तो इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती है, तो वो बड़ा दिक्कत देता है आपको बाद में अच्छा स्कोर करने में, अच्छा रैंक सिक्योर करने में, ठीक है। तो वहां से थोड़ा बचिए, दोनों चीज़ों को सीखिए, ये भी सीखिए, ये भी सीखिए। तो ऑडेसिटी का मतलब होता है विलिंगनेस, विलिंगनेस का मतलब होता है बच्चा इच्छुक, एक ऐसा इंसान जो मतलब बोल्ड रिस्क वगैरह लेता है, जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेता है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑडेसिटी, मतलब जो एक तरीके से निडर होता है, उसको किसी तरह का डर नहीं होता रिस्क लेने से, ठीक है। तो देखो बच्चे अगर हम इसके सिनोनिम की बात करें तो एक तो बोल्डनेस यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, आप बोल्ड भी लिख सकते हैं, आप बोल्डनेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप एक वर्ड बच्चे यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रेवरी,
ब्रेव होता है ना, ब्रेव से ब्रेवरी बना है, ये भी इसका सिनोनिम होगा, सिमिलर वर्ड। चाहे आप ब्रेवरी बोलें, चाहे बोल्डनेस बोलें, चाहे ऑडेसिटी बोलें, बात एक ही है। अच्छा, एक छोटी सी बात और ध्यान देना है बच्चे, अगर कभी ऐसे आ जाता है ना ऑडेसिस, तो घबराना नहीं भैया, ये अलग नहीं है, ठीक है। इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़े से डिफरेंट है, मीनिंग एकदम सेम है। और हमने एक वर्ड बच्चे आपके साथ और डिस्कस किया था, एंट्रेपिड। एंट्रेपिड एक वर्ड बच्चे हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, फियरलेस, जिनको कोई डर नहीं होता। एक वर्ड हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, डॉन्टलेस, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जो बच्चा मुझे पहले दिन से फॉलो कर रहा है, जो नया बच्चा होगा, जिसने मेहनत नहीं की है पहले दिन से मेरे साथ, उसके लिए लगेगा कि भाई सर ने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स यहाँ पे लिख दिए, 6 कैसे याद होगा। लेकिन जो बच्चा पहले दिन से मेहनत कर रहा है, तो भाई उसको पता है कि सर ने ऑलरेडी चीज़ें डिस्कस कर चुकी हैं। अब बेटा यहाँ पे अगर तुम देखो तो फियरलेस एक ऐसा वर्ड है जो कि कॉमन वर्ड है भाई, हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, बोल्डनेस हम यूज करते हैं, ब्रेवरी हम यूज करते हैं। अगर तुम्हारे लिए यहां पे कुछ नया है बच्चे, वो एक वर्ड हो गया इंट्रेपिड, ठीक है। एक वर्ड मान लो मैं ये भी ले लेता हूं ऑडेसिस, एक वर्ड बच्चे मैं ले लेता हूं डॉन्टलेस। तो देखो अगर आप स्मार्ट तरीके से मेहनत करोगे तो ज़्यादा नहीं दिख रहा है, हमारे सामने तीन ही तो दिख रहे हैं कि भाई ऑडेसिटी का मतलब निडर होता है, और इंट्रेपिड डॉन्टलेस, और ऑडेसिस ये इसका क्या, अच्छा ऑडेसिटी से मिलता हुआ ऑडेसिस है, तो इसको तो तुरंत आप रिलेट कर लोगे, बना लोगे दिमाग में। तो दो ही वर्ड तो बच्चे हमारे सामने यहाँ पे हैं, एंट्रेपिड है और डॉन्टलेस है। तो कितना टाइम लगा आपको दो वर्ड तैयार करने में, बिल्कुल टाइम नहीं लगा, राइट। तो अब एग्जामिनेशन कैसे भी पूछ सकता है बच्चे, कभी ऑडेसिस देगा, कभी ऑडेसिटी देगा, कभी एंट्रेपिड देगा, कभी डॉन्टलेस देगा, कभी फियरलेस देगा, सबका मतलब एक ही होता है बेटा, निडर, इसी को तो हम सिनोनिम बोलते हैं। अब देखो जी बात आती है इनके अपोजिट वर्ड की, मान लो एग्जामिनेशन आपसे कभी इनका अपोजिट वर्ड पूछ दे, तो बच्चे हम क्या लिखेंगे। अब अगर इसका मतलब निडर होता है, अगर इसका मतलब बेटा हम साहसी भी बोल सकते हैं, तो देखो यहाँ पे एक तो हम ये लिख सकते हैं ना कावर्ड, ठीक है, कावड़ मतलब जो डरपूक होता है बच्चे। एक वर्ड हम यहाँ पे लिख सकते हैं मीकनेस, ठीक है, मीकनेस मतलब भी होता है दब्बू होता है, जिसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं सबमिसिव। सबमिसिव मतलब क्या होता है, जो दब्बू होता है, जिसको हम लोग बेटा ये बोल सकते हैं मॉडेस्ट, ठीक है, मॉडेस्ट वर्ड भी हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। अच्छा एक वर्ड और है ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी वर्ड आप लिख सकते हो। तो और एक वर्ड है जैसे यहाँ फियरलेस है, तो फियरफुल आप लिख सकते हो जी, तो फियरफुल हो गया, ह्यूमिलिटी हो गया, मॉडेस्ट हो गया, सबमिसिव हो गया, मीकनेस हो गया, कावर्ड हो गया, ये सब। अच्छा अब देखो याद करने का क्या तरीका बेटा, मान लो ऑडेसिस का तुमसे एंटोनिम पूछ रहा, तो कुछ भी दे सकता, चाहे सबमिसिव दे दे, चाहे मॉडेस्ट दे दे, चाहे ह्यूमिलिटी दे दे, वो उसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। लेकिन मान लो कभी ऐसा दे दे एग्जामिनेशन के अंदर कि भाई ह्यूमिलिटी दे दे, और ह्यूमिलिटी का सिनोनिम पूछ ले, तो देखो आपने सामने लिखा है मॉडेस्ट, सबमिसिव, मीकनेस, कावर्ड, कुछ भी हो सकता है। तो बेटा आपके ऊपर है कि आप चीज़ों को किस तरीके से याद कर रहे हो। देखा जाए तो यहाँ पे ये सब आपस में सिनोनिम्स हैं, ये सब आपस में अपने सिनोनिम्स हैं। अगर इनके सिनोनिम्स पूछता है तो इट्स ओके, अगर इनका अपोजिट पूछता है तो फिर ऊपर नीचे लिखा हुआ है ये सिनोनिम या उसका एंटोनिम, ठीक है। आते हैं बच्चे नेक्स्ट वर्ड पे, सुपर एनुएटेड। सुपर एनुएटेड मतलब पहले भी हमने आपको बताया है कि जो आउटडेटेड होता है, आप कह सकते हैं बच्चे जो प्रचलन में ना हो, ठीक है, जो पुराना हो चुका हो। आर यू कैन से अप्सलीट थ्रू एज आर न्यू डेवलपमेंट्स, ठीक है। तो बच्चे सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो क्या क्या आपको लिख लेना है। यहीं पे तीन चीज़ें आपके सामने दिख रही होगी, एक तो रिटायर्ड बेटर दिख रहा है, रिटायर्ड के साथ आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आउटडेटेड लिख सकते हैं। आउटडेटेड के साथ बच्चे एक वर्ड ऑलरेडी वहाँ पे लिखा हुआ है अप्सलीट, ठीक है। यही वर्ड्स आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे सुपर एनुएटेड वर्ड है बच्चे, यहाँ पे अप्सलीट, आउटडेटेड, रिटायर्ड, ठीक है। और एक वर्ड आप लिखना चाहो तो बच्चे लिख सकते हो यहाँ पे एंटीक्वेटेड, ये भी पूछा जाता है, एंटीक्वेटेड वर्ड है। और एक वर्ड और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ओल्ड फैशन, जो मतलब प्रचलन में नहीं होता है, मतलब जो पुराना हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, ओल्ड फैशन बोलते हैं। तो सुपर एनुएटेड का मतलब हो गया आउटडेटेड, क्योंकि अगर अभी आप वीडियो देखते चल रहे हो तो ये चीज़ें आपको याद भी होती चल रही होंगी, ठीक है, कि आउटडेटेड है, अप्सलीट है, एंटीक्वेटेड है, ओल्ड फैशन है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई डिफिकल्ट के नाम पे तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी अगर मैं बच्चों के हिसाब से देखूँ तो एक नया वर्ड बच्चे ये हो सकता है, एक नया वर्ड ये हो सकता है, ठीक है। बाकी आप मुझे बताओ, क्या आपने रिटायर्ड नहीं सुना है, या आउटडेटेड नहीं सुना है, या ओल्ड फैशन नहीं सुना है, पहले से ये चीज़ें याद हैं। दो वर्ड पे आपको थोड़ी सी मेहनत करके रिविज़न करनी है, ठीक।
ये हो गया बेटा हमारे सामने, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आप लोगों से इसके एंटेनिम की, अगर एंटेनिम पूछ देगा तो जाहिर सी बात है, अगर ये पुराने की बात कर रहा है तो बेटा ये मॉडर्न हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके साथ एक वर्ड और लिखना, कंटेम्प्रेरी, ठीक है। तो कंटेम्प्रेरी हो गया बेटा और साथ में हमारा मॉडर्न हो गया, ये दो वर्ड इसके अपोजिट हो जाएंगे और बाकी जो ऊपर लिखे गए, मतलब ऊपर कह रहा हूँ इधर साइड में लिखे, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, वर्ड है बच्चे एक्सीड। देखो एक्सीड वर्ड बहुत ही इजी है और बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा भी जाता है, तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये पता होगा। एक्सीड मतलब होता है बेटा मान लेना किसी चीज़ को, ठीक है, मतलब अग्री टू अ डिमांड रिक्वेस्ट आर ट्रीटी। ट्रीटी का मतलब होता है समझौता, ठीक है। अग्रीमेंट, यू कैन से अग्रीमेंट, जो आपसी समझौता किया जाता है उसे हम ट्रीटी बोलते हैं। अगर किसी हम समझौता की बात करें, किसी हम रिक्वेस्ट की बात करें या किसी हम डिमांड की बात करें, अगर हम उसको लेकर के अग्री हो जाते हैं किसी डिमांड रिक्वेस्ट या ट्रीटी को लेकर के, उसे हम बोलते हैं एक्सीड, ठीक है। तो एक्सीड मतलब होता है मान लेना, जैसा कि वहां पे उसका एक सिमिलर वर्ड लिखा हुआ है, सिनोनिम्स लिखा हुआ है, देखिए कंसेंट, आप कंसेंट बोल सकते हैं, ठीक है। कंसेंट के साथ बच्चे एक वर्ड होता है एसेंट, आप एसेंट बोल सकते हैं, एसेंट के साथ आप बोल सकते हैं कंप्लाई, ठीक है। तो ये तीन वर्ड्स जो हैं इनको आप ध्यान रखना बच्चे, कि कंसेंट, एसेंट और कंप्लाई। मुझे नहीं लगता कि इसको याद करने में आपको कोई दिक्कत हो रही होगी, थोड़ा राइम सा नहीं बन रहा है, कंसेंट एसेंट, कंसेंट एसेंट, राइट। तो अगर ध्यान से देखो बच्चे इसमें एक चीज, ये जो लिखा है SCENT, दोनों में आपको तो कॉमन मिल गया, ठीक है। यहाँ CON है, यहाँ पे AS है, तो कंसेंट एसेंट कंप्लाई। एक और ध्यान दे देना बच्चे, कंसीड, कंसीड मतलब भी क्या होता है, कंसीड मतलब भी होता है मान लेना, ठीक है। तो कंसेंट ऑलरेडी था, तो ये तीन आप इसको ध्यान रखना, कंसीड हो गया, एसेंट हो गया, कंप्लाई हो गया। अब बात आती है बच्चे इसके एंटोनिम की, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मान लेने की, तो ऑब्वियस सी बात है इसका उल्टा हमें चाहिए, उल्टा मतलब मना कर देना, ठीक है। फॉरबिड हम बोल सकते हैं जी, ये बिल्कुल करेक्ट है, फॉरबिड मतलब मना कर देना। अगर आप लिखना चाहो बेटा ना, आप प्रोटेस्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, प्रोटेस्ट लिख सकते हैं आप, डीमर लिख सकते हैं, डीमर, डीमर मतलब होता है बच्चे प्रोटेस्ट करना, ठीक है। डीमर एक बड़ा प्यारा सा वर्ड है, यूजुअली बच्चों को नहीं पता होता, क्योंकि प्रोटेस्ट और फॉरबिड बच्चे एक ऐसे वर्ड हैं, ये थोड़े कॉमन वर्ड हैं, लेकिन मैं इसको नहीं बोलूंगा कि ये डीमर वर्ड जो है वो कॉमन वर्ड है, ये कॉमन वर्ड नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, प्रोटेस्ट करना, क्योंकि बच्चे हम उसी चीज़ को प्रोटेस्ट करते हैं, हम उसी चीज़ को एक तरीके से कह सकते हैं कि हम उसका प्रोटेस्ट को क्या बोलते हैं, विरोध, हिंदी में बोलते हैं विरोध करते हैं, जिस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करते, जिस चीज़ को हम अग्री नहीं करते, ठीक है। तो डीमा वर्ड, और एक वर्ड है बच्चे यहाँ पे ना, डिनाउंस आप लिखना हो लिख लो, लेकिन देखो जैसे ही मैं डिनाउंस शब्द लिखूंगा, कुछ बच्चों के दिमाग में एक चीज़ आएगी, डिनाउंस मतलब तो होता है सर एक तरीके से किसी को निंदा करना, किसी की आलोचना करना, तो यहाँ पे निंदा करने या आलोचना करने से क्या सेंस बनता है, तो जैसा कि बच्चे देखो डिनाउंस को अगर आप थोड़ा सा रिलेट करके देखोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे अगर आप किसी चीज़ को जब एक्सेप्ट करते हो या आप किसी चीज़ के लिए अग्री करते हो, मान लेते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप एक तरीके से उसको पसंद करते हो, आप उस चीज़ से प्यार करते हो, ठीक है, तभी तो आप उस चीज़ के लिए एक्सेप्ट करते हो। लेकिन बच्चे अगर हम डिनाउंस बोल रहे हैं तो डिनाउंस मतलब एक तरीके से हमने बोला कि क्रिटिसाइज, ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ब्रैकेट में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इसका मतलब क्या होता है बच्चा, क्रिटिसाइज, इसका मतलब क्या होता है, कंडेम, ठीक है, होता ना CONDEMN, कंडेम, तो इसका मतलब निंदा करना, क्योंकि हम जिस चीज़ को पसंद नहीं करते बेटा, जिस चीज़ को नहीं मानते उसी चीज़ को तो आलोचना करते हैं, हम उसी चीज़ की तो क्या करते हैं, निंदा करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप डिनाउंस लिख सकते हो, डीमर लिख सकते हो, फॉरबिड लिख सकते हो, और साथ में बेटा आप क्या लिख सकते हैं, प्रोटेस्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, और साथ में एक बड़ा प्यारा वर्ड पूछा जाता है, मैं चाहता हूँ आप बच्चे इसको भी ध्यान रखें, इम्पीड, इम्पीड वर्ड है। अच्छा, अगर आप, मैं अपनी तरफ से बताऊँ कि भाई कौन कौन से शब्द आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो बच्चे देखो फॉरबिड, प्रोटेस्ट आपको पहले से पता है, ये इम्पीड वर्ड ध्यान रखना, इम्पीड के साथ ये जो डीमर वर्ड है ध्यान रखना, डिनाउंस वैसे तो मोस्टली बच्चों को पता होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ध्यान रखने वाली चीज़ है तो आप उसको ध्यान रख सकते हैं। साथ में अगर यहाँ देखिए मैंने दो वर्ड और आपके ये समझने के लिए लिख दिए, आपको लग रहा होगा कि क्या सर हम इसका अपोजिट वर्ड इसको बना सकते हैं, बेटा बिल्कुल बना सकते हो आप, ठीक है। और अगर कभी मान लीजिए डिनाउंस पूछ दिया और डिनाउंस का सिमिलर वर्ड पूछ दिया, तो आप क्रिटिसाइज और कंडेम ध्यान रख सकते हो, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है बच्चे अलर्ट, अलर्ट मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर के सतर्क हो जाना, ठीक है, क्विक टू नोटिस एनी अनयूजुअल एंड पोटेंशियली डेंजरस आर डिफिकल्ट सर्कमटेंसेस। अच्छा जी, हमने बोल दिया अलर्ट, अलर्ट हो जाओ मतलब सब लोग सतर्क हो जाओ, ठीक है। हम सतर्क कब होते हैं बच्चे,
लिखा है क्विक टू नोटिस एनी अनयूजुअल एंड पोटेंशियली डेंजरस। अगर कोई भी खतरा हमें ऐसा लगता है कि होने की संभावना है, किसी खतरे की होने की संभावना है, उसको लेकर के हम अलर्ट हो जाते हैं, या डिफिकल्ट सर्कमटेंसेस, कोई ऐसी परिस्थिति है जो थोड़ी मुश्किल भरी है, तो उसको लेकर के हम क्या हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम बच्चे इसके सिनोनिम्स की बात करें तो देखो एक वर्ड हमारा है विजिलेंट। ठीक है, विजिलेंट ध्यान रखना। एक वर्ड है हमारा बेटा श्रीव्ड, ये ध्यान रखना, एस एच आर ई डब्ल्यू डी, स्पेलिंग बच्चे ध्यान देना, एस एच आर ई डब्ल्यू डी, श्रीड। ठीक है, उसके साथ अगर हम लोग बात करें बच्चे परसेप्टिव, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले से। अगर मैं बात करूँ परसेप्टिव, परसेप्टिव के साथ एक वर्ड हम लोगों ने बच्चा पहले भी डिस्कस किया था, डिस्क्रीट। ठीक है, डिस्क्रीट, और एक वर्ड है ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्वेंट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये सारे जितने वर्ड्स हैं, आप एक वर्ड और बच्चे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं प्रूडेंट। अभी मैं आपको देखिए समझा भी देता हूँ प्रूडेंट। ठीक है, प्रूडेंट वर्ड बना है बेटा प्रूडेंस है, प्रूडेंस मतलब होता है बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। चलिए एक एक वर्ड करके यहाँ पे बच्चे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे विजिलेंट, विजिलेंट मतलब भी होता है सतर्क। ठीक है, अच्छा ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा श्रीव्ड, ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है। विजिलेंट वर्ड भी प्यारा है, बहुत सारे बच्चों को अगर नहीं समझ में आता तो बच्चे विजिलेंट भी ध्यान रखना। साथ में मैं बात करता हूँ परसेप्टिव, ये भी प्यारा वर्ड है परसेप्टिव। ठीक है, डिस्क्रीट मैं बोलूँगा, सारे वर्ड्स को ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये ऑब्जर्व, जैसे कहते हैं ना कुछ लोग बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वर होते हैं, चीज़ों को बहुत बढ़िया से ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि बेटा ऑब्जर्व वही करता है जो अलर्ट होता है चीज़ों को लेकर के। ठीक है, तो ऑब्जर्वेंट और प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब बेटा बुद्धिमान होता है, हम इसको रिलेट कर सकते हैं ना, जो इंसान बुद्धिमान होता है, इंटेलिजेंट होता है, वही तो अलर्ट होता है खतरे को लेकर के, या डिफिकल्ट सिचुएशन या सर्कमटेंसेस को लेकर के। तो इनको आप ध्यान रखना है आपको कि ये अलर्ट के सिनोनिम्स होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपका एग्जामिनेशन हमेशा अलर्ट ही पूछे, बच्चे इसमें से श्रीव्ड पूछ सकता है, परसेप्टिव पूछ सकता है, डिस्क्रीट पूछ सकता है, एक देखिए ऑलरेडी यहाँ पे हमने दे रखा है आपके लिए, वॉचफुल पूछ सकता है, प्रूडेंट कुछ भी पूछ सकता है। अगर अब मैं ये तो सिनोनिम हो गए, अगर इसके एंटोनिम की बात करूँ बच्चा, तो एंटोनिम इसका तो एक ये हो जाएगा लेथार्जिक। लेथार्जिक मतलब क्या होता है बेटा, लेथार्जिक मतलब होता है लेजी। ठीक है, यहाँ पे हम सतर्क होने की बात करें तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा लेथार्जिक हो जाएगा, मतलब जो लोग एक तरीके से आलसी होते हैं। अगर हम यहाँ पे डिस्क्रीट की बात करें तो इसका अगर मैं अपोजिट लिखूंगा तो इनडिस्क्रीट लिखूंगा। ठीक है, और साथ में एक वर्ड हम और लिखना सकते हैं ड्राउजी। ड्राउजी मतलब वही होता है बच्चे, जैसे मैं बोलूँ कि आई एम फीलिंग ड्राउजी, तो जो लोगों को ऐसे नींद आती रहती है, आलस आता रहता है, ठीक है, लेजीनेस हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब इसके अपोजिट वर्ड हैं, और ये सब क्या हैं बच्चे, इसके सिनोनिम्स हैं। तो मैं बार बार जिन चीज़ों पे फोकस करता हूँ, मैं एक बार फिर बोलूँगा आपको कि बच्चे ये सारे वर्ड बढ़िया से ध्यान रख लेना, एक बार थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, उसके बाद देखो ये रिपीटेड वर्ड्स हैं। और अगर मैं प्रीवियस सेशन को बेटा आपने फॉलो किया है तो ये सारे वर्ड मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें देखो विजिलेंट वर्ड भी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, श्रीव्ड भी किया है, परसेप्टिव भी किया है, डिस्क्रीट किया है, प्रूडेंट वर्ड किया है, ज्यूडिशियस वर्ड किया हुआ है, इसमें बात करें तो इनडिस्क्रीट वर्ड हमने पहले से किया हुआ है, लेथार्जिक यूजुअली लोगों को पता ही होता है बच्चे, ड्राउजी वर्ड हमने कर रखा है। ठीक है, तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि प्रीवियस सेशन जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वहाँ से हैं। तो अगर आप उसको सही से पढ़ते हुए आ रहे हो तो ये चीज़ें मुझे नहीं लगता आपके लिए मुश्किल है, मुझे लग रहा होगा कि आप इसको इन्जॉय कर रहे होंगे, राइट। तो बच्चे नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट है वर्ड है बच्चे ऑब्स्टिनेट। देखो ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है हठी, हठी का मतलब जो जिद्दी होते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बच्चे वेरी डिफिकल्ट टू चेंज आर ओवरकम, मतलब जो लोगों में मतलब बदलाव नहीं होता एक तरीके से, या बदलाव बहुत ही मुश्किल होता है, वही तो हठी होते हैं ना। आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही जिद्दी होते हैं, हठी होते हैं, अगर किसी चीज़ पर आ गए उनको वो चीज़ चाहिए, उनको मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उनके लिए एक वर्ड है स्टबर्न, ठीक है, सिमिलर वर्ड है बच्चे। और ये जो स्टबर्न वर्ड है और ये जो ऑब्स्टिनेट वर्ड है, मल्टीपल टाइम्स आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछा गया है। अगर आप लोगों को पहले से ये वर्ड याद नहीं है तो प्लीज़ इनको ध्यान देना आप लोग, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार पूछे गए हैं। और बात करते हैं बच्चे इनके सिमिलर वर्ड की, तो हम एक वर्ड लिख सकते हैं परसिस्टेंट। अब आपको लग रहा होगा सर परसिस्टेंट क्यों, बेटा देखो परसिस्टेंट वो चीज़ होती है जो एक तरीके से जल्दी बदलती नहीं है, जिसमें बदलाव नहीं होता, जो चीज़ जल्दी चेंज नहीं होती या चेंज नहीं होती, परसिस्टेंट मतलब वो अनवरत है, लगातार उसी तरीके से चलती चली जा रही है, वो अपरिवर्तनीय है, उसमें किसी तरीके का परिवर्तन जो है संभव नहीं है, उसको हम परसिस्टेंट बोलेंगे। एक वर्ड है बच्चे एडामेंट, ये ए लिखा हुआ मैंने, ए डी ए एम ए एन टी, एडामेंट। ठीक है, एडामेंट के साथ बच्चे आप एक वर्ड लिख सकते हैं टिनेसियस, और ये सारे वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। और मैं आपसे बोलूँगा यहाँ पे जितने वर्ड हैं, ठीक है, सब ही बहुत ही प्यारे वर्ड हैं, चाहे बच्चे हम स्टबर्न की बात करें, ये भी आपको याद होना चाहिए, और परसिस्टेंट वर्ड ये भी ध्यान होना चाहिए, एडामेंट
हो सकता है कुछ लोग को मुश्किल लगे, तो आप इसको ध्यान रखना। टेनेसियस वर्ड अगर कुछ बच्चों ने पहले से सुन रखा है तो इट्स ओके, क्योंकि एग्जामिनेशन काफ़ी बार पूछा है, तो इसको भी ध्यान रखना है। साथ में बच्चे एक वर्ड मैं आपके सामने लिखूंगा, इनफ्लेक्सिबल, जो कि बहुत ही ईजी वर्ड है इनफ्लेक्सिबल, क्योंकि जो फ्लेक्सिबल होते हैं वो रेजिलियंट होते हैं, मतलब उनमें बदलाव संभव है। ठीक है, कहते हैं यार ये इंसान बहुत ही फ्लेक्सिबल है, समझाओगे कन्विंस करोगे वो मान जाएगा, लेकिन जो इनफ्लेक्सिबल होता है भाई कोई गुंजाइश नहीं है उसके मानने की। तो अगर मैं बच्चे यहाँ पे एंटोनिम की बात करूँ तो एंटोनिम में देखो एक ये हो सकता है सबमिसिव। ठीक है, अब आप कहोगे तो सर सबमिसिव का मतलब तो आपने कॉवर्ड बताया था, डरपोक होता है, दब्बू होता है, हैं तो यहाँ पे सबमिसिव क्यों? बेटा देखो इनफ्लेक्सिबल हमने बोला, और देखो इनफ्लेक्सिबल वो होता है, स्टबन वो होता है जो हठी होता है, जिद्दी होता है, मतलब उसको डर नहीं होता। ठीक है, अब जो इंसान बहुत ऐसे इंसान होते हैं ना जो जल्दी चेंज हो जाते हैं या समझाने पे समझ जाते हैं, तो वो हठी नहीं होते, एक तरीके से वो मॉडेस्ट होते हैं, इस वजह से मैं उस रेफरेंस में इसको सबमिसिव बोल रहा हूँ। तो आप सबमिसिव बोल सकते हो। ठीक है, तो हठी सबमिसिव दोनों अपोजिट हैं, एक इंसान हठी है मानने को तैयार नहीं है, जो बेटा सबमिसिव होते हैं थोड़े मॉडेस्ट होते हैं वो मान जाते हैं इजिली। ठीक है, तो सबमिसिव बोल सकते हो, अगर इनफ्लेक्सिबल बोल रहे हो तो इसको हम फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना सबमिसिव बोल सकते हैं, फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं। तो ये बच्चे हो गया हमारा इसका एंटोनिम। अच्छा, एक वर्ड और बता देता हूँ बच्चे यहाँ पे, देखो अगर लिखना हो तो आप लिख लेना, प्लाइंट एक वर्ड होता है बच्चे। ठीक है, इसका भी मतलब वही होता है, इसका उल्टा होता है। ठीक है, हम अमेनेबल लिख सकते हैं। अब अमेनेबल क्या होता है, हम इसको कुछ बच्चे जोड़ेंगे फ्रेंडली, बिल्कुल सही है बेटा अमेनेबल, क्योंकि भाई जो इंसान फ्रेंडली होगा वो ऐसा नहीं है ना वो अपरिवर्तनीय है। ठीक है, देखो जो फ्रेंडली होते हैं उनको मनाने पे वो मान जाते हैं, किसी चीज़ से वो अग्री कर लेंगे। ठीक है यार ऐसे मत करो ऐसे करो मान जाएंगे, भाई ऐसे नहीं ऐसे चलो मान जाएंगे, लेकिन जो हठी होता है वो नहीं मानता, किसी चीज़ पे जल्दी अग्री नहीं करता। तो अमेनेबल लिख सकते हैं बेटा, प्लाइंट लिख सकते हैं, फ्लेक्सिबल लिख सकते हैं, सबमिसिव लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो शब्द मैंने यहाँ पे लिखे हैं इनको बेटा ध्यान देना, बहुत प्यारे वर्ड्स हैं, क्योंकि मैंने बार बार एक ही चीज़ आपको बोली है कि भाई ये जो शब्द हैं मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये एग्जामिनेशन ऑलरेडी पूछ चुका है, तो इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है और इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो वैसे भी बहुत इजी वर्ड है। अगर बात करो बच्चा लिटिल, लिटिल मतलब थोड़ा, सबको पता है स्मॉल इन साइज अमाउंट और डिग्री, अगर हम बात करें कोई चीज़ साइज में छोटा है या अमाउंट में छोटा है या डिग्री में छोटा है तो हम लिटिल बोलेंगे। तो बच्चे इसके लिए जो वर्ड यहाँ पे लिखा है ट्रिवियल, ट्रिवियल मतलब क्या होता है, मतलब जो चीज़ बच्चा छोटा मतलब तुच्छ हो, थोड़ा सा हो, ठीक है उसको हम लिटिल बोल सकते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा मेरी बात, यहाँ पे तो एक वर्ड ट्रिवियल आपने पहले से लिख रखा है, ट्रिवियल के साथ बच्चे हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक वर्ड डिमिनिटिव। ठीक है, डिमिनिटिव बेटा बहुत ही प्यारा वर्ड है, मतलब लिटिल का जो सिनोनिम है ना डिमिनिटिव, और इसके जितने भी शब्द होते हैं वो मतलब इजी होते हैं, जैसे ट्रिवियल लिखा हुआ इजी है, अगर आप लिखना चाहो बेटा अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट जो है वो इजी होता है। ठीक है, अब ये सिमिलर वर्ड है बच्चे ध्यान देना, इसको ध्यान रखना है। और एंटोनिम की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो एंटोनिम इसका हो जाएगा लॉट, LOT लॉट, मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, लिटिल का मतलब होता है ट्रिवियल, एक ये ध्यान देना बेटा मतलब तुच्छ छोटा। ठीक है, डिमिनिटिव याद रख लेना और इसका अपोजिट याद रख लेना लॉट। डन, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट वर्ड देखो हमारे सामने है बच्चे यार्ड स्टिक। देखिए यार्ड स्टिक का मतलब होता है मापदंड, मापदंड का मतलब हो गया ना, जैसे बच्चे अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमने कहा कि मेरा जो काम करने का पैरामीटर है ये है, पैरामीटर जैसे ये स्टैंडर्ड है, मतलब हम इसके नीचे मतलब बिलो स्टैंडर्ड हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हर चीज़ का एक अपना स्टैंडर्ड होता है, तो यार्ड स्टिक का मतलब होता है मापदंड, और यू कैन से स्टैंडर्ड यूज फॉर कंपेरिजन। ठीक है, तो एक ऐसा बच्चे मापदंड, एक ऐसा स्टैंडर्ड, एक ऐसा पैरामीटर जो तुलना के लिए कंपैरिजन के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, और क्या शब्द हो सकता है यार्ड स्टिक का, अगर मान लीजिए आपसे सिनोनिम पूछ दिया तो भाई आप क्या लिखोगे? तो बच्चे देखो यार्ड स्टिक, एक तो आप गॉज लिख सकते हो, बड़ा प्यारा वर्ड है ध्यान देना। ठीक है, गॉज, उसके साथ आप लिख सकते हो बेंचमार्क। ठीक है, आप लिख सकते हैं नॉर्म, NORM। तो ध्यान देना ये जो नॉर्म है, बेंचमार्क है, गॉज है, स्टैंडर्ड है, इसको हम बोलते हैं यार्ड स्टिक। ठीक है, किसी भी चीज़ को, सपोज आप एक कोचिंग चला रहे हैं, आप एक स्टार्टअप चला रहे हैं जो कि उसमें आप टीचर अपॉइंट कर रहे हो, ठीक है, हायरिंग कर रहे हो, तो उसमें क्या है बच्चे, आपने कहा कि मेरा भैया ये स्टैंडर्ड है, अगर आप इस स्टैंडर्ड पे, आप इस बेंचमार्क पे, आप इस नॉर्म पे, आप इस गॉज पे, या आप इस मापदंड पे खरे नहीं उतरते तो आप हमारे यहाँ नहीं पढ़ा सकते हैं, तो वो स्टैंडर्ड हो गया। अब देखो जी ये तो सिनोनिम वाली बात हो गई, अब बच्चे इसका अगर अपोजिट वर्ड पूछे तो ध्यान देना कि अपोजिट वर्ड में हम लिख सकते हैं डिविएशन।
ठीक है, हम लिख सकते हैं एबरेशन, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये डिविएशन या एबरेशन का मतलब क्या होता है, बच्चे एक सिंपल सा वर्ड देता हूँ आपको, वेरिएशन। वेरिएशन बना वर्ड है बच्चे वैरायटी से, अगर किसी चीज़ में वेरिएशन है तो वेरी, जैसे स्टैंडर्ड आपने जैसे एक सेट कर दिया कि भाई हमारा ये वाला स्टैंडर्ड है, हम इससे नीचे नहीं आएंगे, ठीक है। अब वेरिएशन में क्या होता है, वेरिएशन में तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। वैरायटी क्या होती है बच्चे, अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं ना, तो वो स्टैंडर्ड का उल्टा है। तो वेरिएशन, एबरेशन, डिविएशन ये यार्ड स्टिक के अपोजिट वर्ड हैं, और स्टैंडर्ड, गॉज, बेंचमार्क, नॉर्म, यार्ड स्टिक ये सब आपस में क्या है बच्चे, ये सब आपस में सिनोनिम्स हैं, राइट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड टॉक्सिक पे। देखिए टॉक्सिक का मतलब क्या होता है जी, कहते हैं ना आपने बहुत बारी सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा वीडियोस में कि भाई टॉक्सिक पर्सन से बच के रहो, ठीक है। तो ये कहते हैं ये इंसान बहुत ही टॉक्सिक है। टॉक्सिक का मतलब बेटा पॉइजनस होता है, मतलब जो एक तरीके से हार्मफुल हो, ठीक है, उसे हम टॉक्सिक बोलते हैं। विषाक्त, वेरी हार्मफुल आर अनप्लेजेंट, दैट्स कॉल्ड पॉइजनस, हम उसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा कुछ चीज़ें और बच्चे ध्यान देना, बहुत सारा वर्ड है इसके सिनोनिम के अंदर और सारे वर्ड्स एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो एक एक करके ध्यान देना। एक वर्ड है बच्चे हमारे सामने मलिग्नेंट, मलिग्नेंट, वीरुलेंट, डेडली, बेलफुल, फैटल, कैलामेटस, डिस्ट्रक्टिव। तो बच्चे ये जितने शब्द मैंने यहां पे लिखे ना, ये सारे के सारे जो शब्द हैं आप इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा है, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो। आप यहां पे बच्चे एक वर्ड लिखना चाहें मोर्टल भी लिख सकते हैं, मोर्टल। तो अब मैं एक बार आपको बस ये बता देता हूँ कि ऐसे इसमें से कौन कौन से शब्द हैं जिन पे आपको जोर देने की ज़रूरत है, और अगर मेरे आप पहली वीडियो से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा जोर देने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुछ शब्द हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखे हैं। जैसे ये बच्चा टॉक्सिक है, तो टॉक्सिक का तो एक ऑलरेडी यहाँ पे दिया है पॉइजनस, ठीक है। अच्छा जो चीज़ टॉक्सिक होती है, विषाक्त होती है या पॉइजनस होती है यानी जहरीली होती है, तो क्या होगी, डेडली ही तो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप बच्चे, मलिग्नेंट अच्छा वर्ड है, विरुलेंट अच्छा वर्ड है, देखो डेडली बेटा बड़ा कॉमन वर्ड है, ठीक है, डेडली कॉमन वर्ड है, फैटल भी बड़ा कॉमन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है घातक, अगर जो चीज़ पॉइजनस होगी वो क्या होगी, डेडली होगी, फैटल होगी, ठीक है। अब जैसे बेलफुल प्यारा वर्ड है, कैलामिटस बहुत अच्छा शानदार वर्ड है, ठीक है। उसके साथ बच्चे मोर्टल, मोर्टल भी मतलब यूजुअली ये सबको पता होता है मोर्टल, डिस्ट्रक्टिव भी बेटा लोगों को पता होता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे जो कुछ अच्छे वर्ड हमें देखने को मिले जो थोड़ा डिफिकल्ट वाली कैटेगरी में आ सकते हैं, मलिग्नेंट, विरुलेंट, बेलफुल और कैलामिटस, ठीक है। लेकिन ये भी इजी हैं, अगर आप पहली वीडियो से फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो कोई इशू नहीं होनी चाहिए बच्चे इसमें आपको, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके सिनोनिम्स। अब कुछ बच्चों को रहेगा कि सर ये तो इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है, तो सर इसका एंटोनिम क्या होगा। बच्चे एंटोनिम भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर ध्यान होगा कि अगर ये भाई विषाक्त है तो हम यहाँ एंटोनिम में लिखेंगे हार्मलेस, हार्मलेस, क्योंकि अगर हम इसका एक सिनोनिम और लिखें आपके सामने तो क्या हम ये लिख सकते हैं हार्मफुल, आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो क्या यहाँ पे हार्मलेस नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एक बच्चे हम लिख सकते हैं होलसम, होलसम मतलब होता है भाई जो हेल्दी हो, बढ़िया हो, मस्त हो, ठीक है, किसी तरह का नुकसान ना हो, दैट इज होलसम। तो होलसम, हार्मलेस बच्चे इसका एंटोनिम हो गया, बाकी ये सारे के सारे क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए, राइट। नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं बच्चे, अगला वर्ड हमारे सामने है रिग्रेस, का मतलब होता है बच्चे पीछे हटना यानी वापसी। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ पीछे हटना यानी वापसी, ठीक है, तो दोनों का मतलब मैं समझा देता हूँ। पर जैसे कभी कभी होता है कि बच्चे हम किसी स्थिति में, जैसे मान लीजिए कि आप एक बार को ऐसा हो गया कि भाई आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपकी मतलब इस सिचुएशन में आप थे, आप उस सिचुएशन से बढ़ के यहाँ पे चले गए, तो आप क्या हुआ कि यहाँ से वापस फिर उसी स्थिति में आ गए, ठीक है, तो हम इसके लिए भी रिग्रेस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो या सपोज करिए कि बच्चे आप किसी चीज़ से पीछे हट गए, ठीक है, मान लीजिए कि आप अभी तैयारी कर रहे हो, तो तैयारी करना भी अपने आप में एक टास्क है, ठीक है, आप लड़ रहे हो, आप एक तरीके से संघर्ष कर रहे हो, आपने हार मान के वापस आ गए, भाई अब हम तैयारी नहीं करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए भी हम वर्ड रिग्रेस यूज़ कर सकते हैं। बट ये कभी करना मत आप लोग, ठीक है, मैं बस एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ, डटे रहना, अच्छे से मेहनत करोगे, क्योंकि देखो भगवान उसी का साथ देते हैं बच्चे जो हमेशा मेहनत करता रहता है, ठीक है। हम 100% एफर्ट लगा दें उसके बाद भी हम सफल न हों, ये संभव ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। ऐसा आप गीता में पढ़ लें, पुराण में पढ़ लें, वेदों में पढ़ लें, ठीक है, भगवान
साक्षात आपके सामने प्रकट होंगे किसी न किसी रूप में, और वो सफलता आपको मिलेगी। लेकिन आप 100% एफर्ट देके तो देखो एक बार। अब देखो, रिग्रेस का मतलब अच्छे समझ में आ गया ना आपको, कि रिटर्न टू अ फॉर्मर आर लेस डेवलप्ड स्टेट। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक लिखा है बैकस्लाइड, ये भी हो गया बैकस्लाइड, या हम बेटा लिख सकते हैं रिवर्ट। ठीक है, एक ये तो खैर लिखने के लिए नहीं है, फिर भी समझाने के लिए लिख देता हूँ। रिटर्न लिख सकते हो आप, रिवर्ट लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे रिसीड एक वर्ड है बेटा, ये लिख सकते हो, ध्यान देना। ठीक है, तो रिवर्ट आप लिख सकते हैं, आप रिसर्ट रिसीड लिख सकते हैं। ठीक है, उसके साथ बच्चा एक वर्ड है ना, रिट्रीट, रिट्रीट शब्द आप लिख सकते हैं, रिट्रीट। अब देखिए इसको याद करना भी बेटा आसान है, कैसे, सब देखो बिल्कुल मिलते जुलते लग रहे होंगे, रिवर्ट, रिटर्न, रिसीड, रिट्रीट। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। ठीक है, लेकिन रिवर्ट की बात करें, रिसीड की बात करें, रिट्रीट की बात करें, इसको आप अपने दिमाग में रखना बच्चे इसको। ठीक है, ये एक बार फिर से मेरे साथ एक बार आप पढ़ लो, मैं बात करता हूँ रिट्रीट, मैं बात करूँ बेटा रिसीड, और मैं बात कर रहा हूँ किसकी, रिवर्ट की। अच्छा जी, अब अगर मैं बात करूँ इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे बच्चा, एंटोनिम हो जाएगा, आप लिख सकते हो यहाँ पे डेवलप लिख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे एक वर्ड और लिख सकते हो, स्ट्रेंथन। ठीक है, क्योंकि भाई स्ट्रेंथन हम क्यों लिख रहे हैं बच्चे, स्ट्रेंथन मतलब होती है स्ट्रेंथ से बना, स्ट्रेंथन यानी ताकत। ठीक है, डेवलप, अब वो कह रहा है कि भाई हम किसी चीज़ से पीछे हट रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, उतनी ताकत नहीं, तभी तो आप पीछे हट रहे हो। ठीक है, तभी तो आप बैकस्लाइड जा रहे हो। लेकिन बच्चे जो इंसान मतलब एक तरीके से कैसे, जो चीज़ डेवलप है, डेवलप्ड है या स्ट्रेंथ है, तो ये उसका अपोजिट तो होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, डेवलप और स्ट्रेंथन रिग्रेस का अपोजिट होता है, और ये जो लिखे हैं बच्चे इसके सिनोनिम्स होते हैं। बात करें सॉम्बर, सॉम्बर का मतलब होता है निराशाजनक, डार्क आर डल इन कलर आर टोन। ठीक है, ग्लूमी हम जिसको बोलते हैं, तो बच्चे अगर निराशाजनक की बात करें तो आप ग्लूमी भी बोल सकते हो, डिसअपॉइंट बोल सकते हो, लेकिन कॉमन वर्ड है उसको नहीं लिखते हैं। तो ग्लूमी के साथ हम बच्चे लिख सकते हैं डॉलफुल। ठीक है, डॉलफुल के साथ हम लिख सकते हैं डिसमल, खूब पूछा जाता है डिसमल। एक वर्ड बच्चे हम लिख सकते हैं ग्लूमी, डॉलफुल, डिसमल, ब्लीक वर्ड लिखना बच्चे, ब्लीक, ब्लीक काफ़ी पूछा जाता है, बी एल ई ए के हो गया, डिसमल हो गया, डॉलफुल हो गया, बहुत पूछे जाते हैं ये सारे शब्द जिनका मतलब होता है सॉम्बर यानी निराशाजनक, डिसअपॉइंट। अब बात आती होगी अगर ये सर इसके सिनोनिम्स हैं तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे बच्चे। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्लूमी की, हम बात कर रहे हैं देखो किस चीज़ की, डल होने की। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट बच्चे एनर्जेटिक हो जाएगा, इसका अपोजिट इंथुजियास्टिक हो जाएगा। ठीक है, इंथुजियास्टिक, स्पेलिंग हमेशा ध्यान रखा करो बेटा, स्पेलिंग कभी गलती मत किया करो, क्योंकि जब हम कोई वर्ड्स यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, डिस्कस करते हैं आपके साथ, तो वो वर्ड्स की जो स्पेलिंग होती है जिसमें आपको लगता है कि आप डिफिकल्टी फेस करते हो, जैसे देखो ई एन टी एच यू एस आई ए एस टी आई सी, इंथुजियाज्म, इंथुजियास्टिक वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन स्पेलिंग में कभी कभी बच्चे मिस कर देते हैं, कभी ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर ऐसा करते कि आई को इधर लिखे, ए को इधर लिखते। ठीक है, तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, फ्लो फ्लो में पढ़ने में वो दिखेगा नहीं, तो ऐसी जो वर्ड्स होती हैं उनकी मीनिंग अपने दिमाग में रखा करिए। ठीक है, मतलब उनकी स्पेलिंग सॉरी अपने दिमाग में रखा करिए, और मीनिंग भी, तो इंथुजियास्टिक हो गया। और एक बच्चे वर्ड लिख सकते हैं ब्राइट। ठीक है, ब्राइट वर्ड हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे आप इन शब्दों को ध्यान देना कि जो भी यहाँ पे लिखे जाते हैं इनका आप प्रॉपर तरीके से एक नोट्स बनाओगे बेटा, नोट्स बनाने के बाद आप उसको दो चार बार रिवाइज करोगे जो डिफिकल्ट वर्ड होते हैं। ठीक है, और अगर स्पेलिंग वाली ऐसा कुछ लगता है कि भाई ये डिफिकल्ट है हमको याद होना चाहिए, तो उसको भी याद कर लेंगे। और एक वर्ड बच्चे साथ ही साथ और लिख सकते हो तुम, ऑप्टिमिस्टिक लिख लेना। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक इसका एंटोनिम होता है। अब बच्चे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, अगला